हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का के विषय में पढ़ेंगे। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जनसंख्या शिक्षा के विकास में सर्वदृश्य साधनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। यह आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने में मीडिया की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2017 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने से पहले एक बार हम आपको बता देते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, तो चलिए उत्तर देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा केवल शब्द या भाषा के द्वारा देने से बातें स्पष्ट नहीं होती हैं। वास्तव में भाषा का माध्यम ना तो उतना प्रभावी होता है और ना स्थिति अधिक स्पष्ट करने में सफल होता है। इसके लिए तो चित्र, नक्शे, फिल्म, स्लाइड, चार्ट, सारणी आदि अधिक प्रभावी होते हैं। जनसंख्या शिक्षा शिक्षण में बहुमीडिया वाली तकनीक अधिक प्रभावी तथा उपयोगी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा हमारे देश में आवश्यक क्यों हुई? दोस्तों, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, वो हमारे देश में जो संसाधन है, जो साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों में कमी आ रही है। जनसंख्या शिक्षा की जनसंख्या वृद्धि की वजह से, इस वजह से जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता हुई। तो जनसंख्या शिक्षा केवल हम जनसंख्या शिक्षा के लिए हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गई। इसलिए क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और उसको अगर हम किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं तो शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। और आज के जो हमारे छात्र हैं, वो कल के हमारे भावी नागरिक हैं, कल के हमारी आने वाली पीढ़ी है। तो अगर हम उसको जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से शिक्षित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम जनसंख्या की वृद्धि को रोक सकेंगे, जनसंख्या को कंट्रोल कर सकेंगे। तो जनसंख्या शिक्षा हम कैसे लोगों के बीच लेके जाएं, ये केवल एक भाषा के माध्यम से ही संभव नहीं है। इसके लिए हमें प्रभावी ढंग से अगर अपनाना है तो कहीं ना कहीं हमें दृश्य श्रव्य साधनों का यूज करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे दृश्य साधनों में चित्र, नक्शे, फिल्म, स्लाइड, चार्ट, सारणी, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रभावी होंगी और इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम जनसंख्या शिक्षा लोगों के बीच ला पाएंगे। दृश्य शब्द सामग्री इसके प्रमुख आधार हैं। तो चलिए देखते हैं। एक से अधिक इंद्रियों को सीखने और समझने में उपयोग, फलस्वरूप स्मरण में सहायता, रोचकता एवं सक्रियता वृद्धि, यथार्थ स्थितियों का आयोग, ध्यान आकर्षण आदि है। हम दृश्य शब्द सामग्री के माध्यम से अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी भी चीज़ के परिणाम को जानते हैं, उसका फल क्या होगा उसके बारे में जानते हैं और उसमें कितनी सक्रियता है, वो किस वृद्धि से दर से बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हम इन सारे माध्यमों से जानते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे अगर श्रव्य साधनों की बात करें तो रेडियो टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन रिकॉर्डर आदि प्रमुख हैं। और श्रव्य साधनों में देखें तो टेलीविज़न, सिनेमा और नाटक आते हैं। इसके अलावा केवल दृश्य साधनों में देखें तो चित्र, पोस्टर, पुस्तकें, स्लाइड, समाचार पत्र आते हैं। इन सारे दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य साधनों का यूज करके हम अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। अगर हम एक शिक्षण कार्य की बात करें तो अपने छात्र को किस तरह से जनसंख्या शिक्षा के बारे में बता सकते हैं, किस तरह से उन्हें अधिगम करा सकते हैं, तो ये बहुत ही प्रभावी माध्यम होगा। इन साधनों के उपयोग से एक नवीन दृष्टिकोण का विकास भी सरलता से किया जा सकता है। साथ ही साथ जो ज्ञान सीखने वालों को अन्य साधनों से प्राप्त हुआ है, उनका पुनरावृत्ति में
सिर्फ दृश्य साधनों से की जा सकती है। कहने का सेंस ये है कि अगर किसी ने बुक पढ़ के उस ज्ञान को अर्जन किया है तो उसको हम सिर्फ दृश्य साधनों के माध्यम से भी रिप्रेजेंट करके उस चीज़ को और प्रभावी ढंग से लोगों के बीच ला सकते हैं। इन साधनों का उपयोग अन्य किसी विधि से सरलता से अस्पष्ट ना किए जाने वाले तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम किसी भी चीज़ को बच्चों को प्रभावी ढंग से समझाने में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हम श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करते हैं। आज यही कारण है कि आपके स्कूलों में कॉलेजों में प्रोजेक्टर का यूज होता है अपने छात्रों को अधिगम कराने के लिए। अनेक तकनीकी वाले तथा कठिन समस्याओं को कक्षा तक लाने का ये श्रव्य दृश्य साधन अत्यंत उपयोगी और सरल माध्यम है। ये बहुत ही अत्यंत उपयोगी और सरल माध्यम है आपके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए। श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग से क्या क्या चीज़ें आगे देखते हैं। सुनने तथा स्मरण रखने के कौशल, बच्चों में चीज़ों को सुनना आता है और उनको याद करना भी आता है। श्रव्य दृश्य साधन, जब आप कोई चीज़ टेलीविज़न आप ध्यान से देखते हो तो आपको वो सुनने में भी अच्छा लगेगा और समझने में भी अच्छा लगेगा और वो आपको याद भी रहेगा। तो यही चीज़ ठीक आपके छात्रों के लिए भी लागू होता है। वो चीज़ों को सुनते हैं ध्यान से और उसको याद भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को देख रहे हैं, देखी हुई चीज़ जल्दी नहीं भूलती है। संश्लेषण तथा विश्लेषण तथा क्रमवार सोचने, किसी भी चीज़ को सूक्ष्म से लेकर के उसको विस्तृत होने तक या सरल से लेकर के कठिन होने तक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखने की जो प्रवृत्ति उभरती है वो बच्चों में आती है श्रव्य दृश्य सीखने के देखने के माध्यम से। भावात्मक क्रिया प्रक्रियाओं को संभालना, यहाँ पे देखेंगे बच्चे किसी भी चीज़ को देख के इमोशनल किस तरह से होते हैं। अगर वो चीज़, जैसे अगर एक आप प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी मोरल स्टोरी को अपने छात्रों को दिखा रहे हैं, समझ लीजिए कि आप राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी दिखा रहे हैं, तो उसमें एक इमोशन क्रिएट होता है हॉनेस्टी का, किस तरह से वो अपनी ईमानदारी के माध्यम से अपने सच्चाई के माध्यम से अपनी हर चीज़ को उपलब्ध फिर से कर लिया। कैसे? उन्होंने सच्चाई को हमेशा पहले प्राथमिकता दी। सेम यही चीज़ अपने हम बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाएंगे कि किस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से अपनी बातों के लिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम बच्चों को सही ढंग से सही वे में समझा सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हों तो उस समय बच्चों का ध्यान इतर हो जाता है, लेकिन अगर आप वहीं प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्रोजेक्टर देखने और सुनने दोनों के काम आते हैं, तो इसमें बच्चा अपने दोनों इंद्रियों का यूज कर रहा है, तो इस वजह से उसका ध्यान इतर नहीं होगा, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। रचनात्मक सोचने विचारने की क्रियाओं के संपन्न होने के कारण ये साधन बहुत ही प्रभावी और उपयोगी रहते हैं। चीज़ों को कलात्मक ढंग से सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ये इसके माध्यम से, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से बच्चों में बहुत ही जल्दी आती है। आगे देखते हैं, कठपुतली के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा से संबंधित बातों को सीखने वालों तथा कठपुतली जो एक प्रकार का खेल होता है जो आपका राजस्थान साइड में ज़्यादा है, कठपुतली के माध्यम से उसमें पीछे बैक साइड में एक आवाज़ निकालने के लिए अलग होते हैं और उसकी कठपुतली केवल एक्टिविटी करती है, तो उस एक्टिविटी और उसके जो संवाद होते हैं पर्दे के पीछे से, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा भावों को निखारा जाता है। किस तरह से कठपुतली के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों प्रथाओं को दिखाया जाता है। रेडियो के द्वारा जनसंख्या शिक्षा संबंधी सूचनाओं तथा प्रमुख तथ्य समाज में प्रचारित किए जा सकते हैं। रेडियो का तत्काल प्रभाव समाज पर पड़ता है।
दृश्य श्रव्य साधन उपयोगी तथा महत्वपूर्ण तो हैं, परंतु यह बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट समझना चाहिए कि ये सभी शिक्षा के साधन ही हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो रेडियो भी एक शिक्षा का माध्यम है, उसमें भी लोग इंफॉर्मेशन से जुड़ी बातें होती हैं, और आपका श्रव्य दृश्य यानी कि टेलीविज़न भी एक शिक्षा का साधन ही है। शिक्षा के स्थान पर इनका उपयोगी मानना भी उचित नहीं होगा, लेकिन ये हम कतई नहीं कह सकते कि एक शिक्षक के बिना भी श्रव्य दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों? शिक्षक का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसके उसका जो रोल है उस रोल को प्ले करने के लिए किसी हम दूसरे सामग्री का यूज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षण कार्य करना है तो शिक्षण कार्य करने के लिए एक शिक्षक का होना बहुत ही आवश्यक होता है, और शिक्षक के द्वारा ही शिक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए इन सारे साधनों का यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो शिक्षक का प्लेस है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये साधन स्वयं शिक्षण कार्य नहीं करते हैं, इनसे तो सीखना प्रेरणात्मक होता है, इनसे सीखना तो प्रेरणात्मक होता है, लेकिन ये अपना कार्य स्वयं नहीं करेंगे, इनको शिक्षक करवाता है ये सारे काम। शिक्षा का स्थान ये कभी नहीं ले सकते। गुड़ियों के खेल का उपयोग परिवार सीमित करने तथा परिवार नियोजन की बातें, ये गुड़िया आज के ज़माने में जब आप तकनीकी से जुड़े हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे हो गई। गुड़ियों का खेल के द्वारा लोग पहले परिवार नियोजन संबंधी बातों के बारे में ज्ञान करवाते थे, लेकिन आज ये चीज़ें तकनीकी की वजह से आपके समाज में टेलीविज़न जो आपके पूरे देश के कोने कोने में चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे हो गई। ये आपका संचार माध्यम ले चुका है इनका स्थान। तो चलिए देखते हैं जनसंख्या शिक्षा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधियाँ। यहाँ पे हम देखेंगे, कुछ थोड़ा क्लियर नहीं है, नीचे देखते हैं। इसमें तीन तरह की विधियाँ दी गई हैं, दृश्य श्रव्य एक है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री, और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में आपका चित्र, पुस्तक, पोस्टर और स्लाइड, और आपके श्रव्य सामग्री में है रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन रिकॉर्डर, और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री जिसमें आपके सिनेमा, टेलीविज़न और नाटक आते हैं। समझने के लिए बच्चों के प्रभावों कहानी के माध्यम से बृहत्ता छोटे परिवार से लाभ हानि शहरों एवं गांव में जनसंख्या के घनत्व का उपयोग तो परिवार नियोजन जनसंख्या से संबंधित अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु उपयोगी रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो उस वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए ही आज सरकार ने हमारे पाठ्यक्रम में शिक्षा जो आपका एक जनसंख्या शिक्षा एक विषय के रूप में रखा। इसलिए रखा क्योंकि इसके माध्यम से जो हमारी भावी आने वाली नागरिक हैं उनको इसके माध्यम से पहले ही शिक्षित किया जाएगा, और जिससे वो आगे जा कर के परिवार नियोजन के वो साधनों को अपनाएंगे, उन कौशलों का यूज करेंगे जो हमारे समाज में देश में विकास का कारण बनेगी, देश को खुशहाली देगी, देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या उसको कंट्रोल करेगी। तो इन सारे मेरिट डिमेरिट यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि से जो हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा है और परिवार नियोजन से क्या लाभ क्या हानि होगी, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए भी कहीं ना कहीं जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता थी। जनसंख्या संबंधी सूचनाओं और तथ्यों के बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार टेलीविज़न पर नए विवाहित जोड़ों के देर से शादी करने के लाभों का चित्रण कराया जा सकता है। दोस्तों, टेलीविज़न बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है जनसंख्या शिक्षा के विषय में लोगों को समझाना। टेलीविज़न पर आज हम देखते हैं कि इस चीज़ को भी अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है कि पहले के लोगों के बीच कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था, अज्ञानता थी, जो कम उम्र में विवाह कर देते थे और परिवार की जो आकृति थी वो बहुत विशाल हो जाती थी, यानी लोग परिवार नियोजन की तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज
शादी थोड़ा देर में होने की वजह से लोग परिवार नियोजन जैसी चीज़ों को समझते हैं और परिवार नियोजन की तरफ ध्यान देते हैं, जिससे जनसंख्या कंट्रोल में आएगी। यहाँ पे हम देखेंगे वीडियो का उपयोग कक्षा में जनसंख्या समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु किया जा सकता है। जनसंख्या शिक्षा संबंधी अनेक बातों को टेलीविज़न में दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से टेलीविज़न के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा के विषय में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग जनसंख्या शिक्षा हेतु अनेक प्रकार से किया जा सकता है, परंतु इन दृश्य श्रव्य सामग्रियों के उपयोग में कठिनाइयाँ भी हैं। ये साधन महंगे होते हैं तथा उन्हीं कक्षाओं के उपयोग में लाए जा सकते हैं जहाँ बिजली आदि की सुविधा हो। टेलीविज़न, फिल्म शो आदि के लिए प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक रहते हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं इन साधनों के उपयोग में आपको कठिनाइयाँ भी देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आज भी जो हम दूर दराज के गाँव हैं जहाँ पे अभी भी बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ पे इन सारे साधनों का उपयोग करना और उसके लिए जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका अवेलेबल होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं साधनों की उपलब्धता ना होने से भी अज्ञानता लोगों के बीच रह जाती है। तो ये सारे चीज़ों के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षक का भी होना आवश्यक है और ये सारे साधन यानी कि बिजली, टेलीविज़न, ये सब चीज़ों की उपलब्धता भी आवश्यक है। इनके उपकरण भी उपलब्ध होने चाहिए तथा इनके सुविधाओं के लिए सुधारने की सुविधाएं भी होनी चाहिए। इन्हें सुधारने की यानी कि अगर उसमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए। इनके उपकरण आगे हम देखते हैं, इनकी व्यवस्था तथा उचित देख रेख भी आवश्यक होती है। किसी भी जो चीज़ें हमारे लिए जितनी ज़्यादा उपयोगी हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी हमें देख रेख भी करनी पड़ती है। गांव वालों का सांस्कृतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से समुचित विकास भी इनके प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गांव वाले हैं उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो उनका जो अपना समाज है, उनका जो मनोवैज्ञानिक रूप से विकास होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि जो समय चल रहा उसके हिसाब से उनके अंदर भी परिवर्तन होना आवश्यक है। धीरे धीरे अगर वो अपनी प्रथाओं कुरीतियों को नहीं छोड़ेंगे तो उनके अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और जो ये साधन है वो साधन केवल उनके लिए मनोरंजन का साधन ही होगा, वो उन चीज़ों से इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, वो उन चीज़ों से जानकारी नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में ढंग से जानकारी नहीं रहेगी। अतः कहा जा सकता है कि जनसंख्या के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने में इन साधनों की महती भूमिका होती है, केवल इनका उपयोग समुचित रूप से होना चाहिए। इन साधनों का उपयोग होना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगर इन साधनों का उन्हें समुचित उपयोग नहीं आएगा तो वो इन चीज़ों का सही ढंग से लाभ नहीं ले पाएंगे। जनसंख्या शिक्षा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधियाँ एवं तकनीकें क्या हैं, चलिए देखते हैं। श्रव्य दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा। दृश्य श्रव्य आपका क्या आता है? टेलीविज़न आता है, नाटक आता है। तो टेलीविज़न, नाटक और आपका आता है सिनेमा। तो इनके माध्यम से जनसंख्या शिक्षा में क्या इम्प्रूवमेंट है देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा शिक्षण में बहुमीडिया वाली तकनीक अधिक प्रभावी और उपयोगी होती है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के उपयोग के प्रमुख आधार हैं। एक से अधिक इंद्रियों का सीखने और समझने में उपयोग, फलस्वरूप स्मरण में सहायता, रोचकता एवं सक्रियता वृद्धि, यथार्थ स्थितियों का उपयोग, ध्यान आकर्षण आदि। दोस्तों जब हम किसी श्रव्य दृश्य चीज़ को देखते हैं यानी कि जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो हम आँख से देख भी रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी जो प्रक्रियाएँ हैं, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ या आपकी जो मानसिक स्थिति है उस चीज़ को देखने के बाद
ये इन सारी चीजों का जो प्रभाव होता है आप देखेंगे, उसकी वजह से एक साथ हम कई चीजें सीख जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो फोकस होता है वो फोकस उस समय केवल टेलीविजन पे होगा, तो वो चीज हम जल्दी कवर करेंगे। इनमें श्रव्य साधनों में सिनेमा, टेलीविजन, नाटक आदि आते हैं। केवल दृश्य साधनों में आपका चित्र, पोस्टर, पुस्तकें, स्लाइड आती हैं। आपका श्रव्य दृश्य में क्या क्या हमने बताया था, टेलीविजन, सिनेमा और नाटक आता है। और दृश्य सामग्री में आपका केवल देखने वाली चीजों में चित्र आता है, पोस्टर आता है, पुस्तकें आती हैं और स्लाइड आता है। इन साधनों के उपयोग से एक नवीन दृष्टिकोण का विकास भी सरलता से किया जा सकता है। लोग इन सारी चीजों को देखकर, सुनकर, समझकर अपने जो विचारधारा है जो वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई थी वो उन चीजों को नवीन करते हैं। और लाभ, हानि, संश्लेषण, विश्लेषण, मतलब इस तरह से वो तर्क वितर्क करके चीजों को और प्रभावी ढंग से सीखते हैं। साथ ही साथ जो ज्ञान सीखने वाले को अन्य साधनों से प्राप्त हुआ है उसकी पुनरावृत्ति भी दृश्य श्रव्य साधनों से की जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें हमने पुस्तकों में पढ़ी थी वो चीज़ अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे जो प्रभावी अवलोकन हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभावी ढंग से कार्य करता है। शैक्षिक रेडियो, चलिए देखते हैं। अमुद्रित अनुदेशनात्मक माध्यम। अमुद्रित यानी कि वो कहीं पर लिखी हुई नहीं हमें दिख रही है, केवल हम कान से सुन रहे हैं। अमुद्रित अनुदेशनात्मक माध्यमों में रेडियो सबसे सस्ता और सरलता से उपलब्ध होने वाला माध्यम है। अन्य माध्यमों की अपेक्षा रेडियो से एक बड़ी जनसंख्या के लिए प्रसारण किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न आयु वर्ग तथा प्राथमिक स्तर से प्रौढ़ अवस्था के छात्रों के लिए उपयोगी है। शिक्षा में प्रसारण हेतु इनका उपयोग अधिक किया जाता है। इनका उपयोग शब्दावली, एकाग्रचित होना और सुनने की क्षमता को विकसित करने में भी किया जाता है। रेडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से छात्रों में सुनने की क्षमता, सुनने का जो कौशल है वो विकसित किया जाता है। उसके माध्यम से जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ती है। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें जनसंख्या, शिक्षा के प्रति या समाज के किसी भी मुद्दे पे या समाज की किसी भी प्रथा या किसी भी आपदा के बारे में बात करें, तो जो टेलीविजन एक माध्यम जो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है ये बहुत ही प्रभावी माध्यम है लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व COVID-19 की वजह से प्रभावित है। और इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी सूचनाएं प्रेषित करते हैं वो सूचनाएं वो टेलीविजन के माध्यम से ही देते हैं। क्यों? आज देश के हर कोने में टेलीविजन संचार पहुंच चुका है, तो उसके माध्यम से उनको अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रभावी है। लोग उनको देखते, सुनते और समझते हैं उनकी बातों को, और उनकी बातों पर लोग अमल भी करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जब कोई चीज पूरे देश को प्रभावित कर सकती है, तो क्या शिक्षा जगत में अगर हम इसका यूज करें, जनसंख्या शिक्षा को के लिए अगर हम छात्रों के लिए इसका यूज करें, तो ये एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी भी परिवार नियोजन या जनसंख्या वृद्धि के विषय में अपने छात्रों को बता रहे हैं, तो प्रभावी माध्यम होगा आपका प्रोजेक्टर। क्लास में प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बच्चों को जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां, परिवार नियोजन के विषय में बच्चों को अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से बता सकते हैं। तो ये माध्यम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा हमारे बीच छात्रों को अधिगम कराने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और प्लीज हमारे बीच अगर आप जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।